बॉलीवुड गलियारों में सितारों के बीच में दुश्मनी और दोस्ती होना आम बात है। ऐसा ही कुछ संजय दत्त और गोविंदा के बीच भी हुआ। एक समय था जब गोविंदा और संजय दत्त बेहद अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों ने साथ में कई सुपरहिट फिल्मों में भी काम किया, जिसमें हसीना मान जाएगी, जोड़ी नंबर वन, दो कैदी, एक और 11 जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। इन्हीं के साथ सभी फिल्में सुपरहिट साबित हुई हैं। दोनों ने साथ में खूब धमाल मचाया था। दोनों की जोड़ी फिल्म मेकर्स की भी फेवरेट जोड़ी थी। संजय दत्त और गोविंदा ने इतनी फिल्मों में साथ काम किया कि इनके बीच एक दूसरे के लिए समझ भी काफी हद तक बढ़ गई थी। दोनों के बीच इतना तालमेल था कि गोविंदा अगर सेट पर लेट भी आते थे तो ऐसा कभी नहीं हुआ जब संजय दत्त ने इस पर एतराज जताया हो या फिर गुस्सा किया हो। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला और संजय दत्त और गोविंदा के रिश्ते भी बदलने लगे। दोनों के बीच रिश्ते इस कदर खराब हो गए कि दोनों ने एक दूसरे के साथ फिल्में करना तो दूर, बात करना भी बंद कर दिया। इन दोनों के बीच खटपट की वजह फिल्म डायरेक्टर डेविड धवन को बताया जाता है। आइए जानते हैं इनका ये पूरा मामला। दरअसल हुआ ये था कि गोविंदा और संजय दत्त डेविड धवन की फिल्म एक और 11 में काम कर रहे थे और इनके बीच सारा पंगा यहीं से शुरू हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक फिल्म सीन फिल्माया जाना था जो कि गोविंदा को पसंद नहीं आया। ऐसे में गोविंदा ने डेविड धवन से इस बारे में बात की और अपनी राय रखते हुए कहा कि अगर इस सीन में कुछ बदलाव किया जाए तो सीन और अच्छा और इफेक्टिव बन सकता है। लेकिन गोविंदा की ये बात डेविड धवन को पसंद नहीं आई और उन्होंने बदलाव करने से मना कर दिया। जब दोनों के बीच इस बात को लेकर बातचीत चल ही रही थी, इतने में संजय दत्त भी वहां आ गए। संजय दत्त को जब गोविंदा और डेविड के बीच का मामला पता चला तो उन्होंने भी अपनी दखलअंदाजी की और डेविड धवन की साइड लेते हुए उन्हें सही बताया। बस फिर क्या, संजय दत्त की ये बात गोविंदा के दिल पर लग गई और वो उनसे नाराज हो गए। हालांकि उस वक्त तक सेट पर तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे गोविंदा ने संजय दत्त से दूरियां बनाना शुरू कर दिया। संजय दत्त को भी लगा कि गोविंदा उनसे बात नहीं कर रहे, ऐसे में उन्होंने भी पहल नहीं की। काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, सेट पर भी दोनों दूर ही रहते थे। ऐसे में दोनों के बीच का मामला तब और ज्यादा बिगड़ गया जब साल 2000 में संजय दत्त की एक कॉल रिकॉर्डिंग लीक हो गई। बताया जाता है कि इस रिकॉर्डिंग में संजय दत्त एक सरगना के किसी भाई से गोविंदा की शिकायत कर रहे थे कि वो सेट पर बहुत लेट आते हैं। साथ ही संजय दत्त ये भी कहते हुए सुनाई दिए थे कि भाई आप उसे समझाओ। इस दौरान संजय दत्त ने गोविंदा को गाली भी दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जाता है कि इस वाकये के होने के बाद गोविंदा को किसी का फोन भी आया था जिसमें गोविंदा को कहा गया था कि अब से सेट पर टाइम से पहुंचना। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में इस बात पर रिएक्ट किया था और संजय दत्त के लिए कहा था कि अब संजू के लिए उनका दिल खट्टा हो चुका है।